नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। पति के रहते पत्नी के थे दो प्रेमी, पहले प्रेमी से भरा मन, दूसरे के साथ मिलकर किया पहले प्रेमी की हत्या, नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने प्रेमी को रास्ते से हटाया, ऐसे खुला खौफनाक हत्या का राज। खबर जनपद बलिया से। प्रेम संबंध में हत्या का मामला सामने आया है, जहाँ एक प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पुराने प्रेमी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों ने मिलकर रस्सी से गला घोटा युवक की हत्या की। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लव ट्रायंगल में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमिका ने अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया। लड़की अपने नए बॉयफ्रेंड को लेकर पश्चिम बंगाल से बलिया अपने ससुराल पहुंची, जहां उसने अपने पुराने बॉयफ्रेंड को फोन करके बुलाया, जहां दोनों ने पहले रस्सी से उसका गला घोटा, वह जिंदा ना बच सके उसके बाद उसका गला रेत दिया। फिर नए प्रेमी के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार उसके शव को बोरे में भरकर धान के खेत में फेंक दिया। दरअसल दीपिका सिंह का पति कोलकाता में रहकर एक निजी फैक्ट्री में नौकरी करता था। उसकी गैर मौजूदगी में उसके गांव बकवा में उसकी पत्नी का पड़ोसी इरफान से आपसी संबंध हो गया। इसी बीच दीपिका अपने पति के पास कोलकाता चली गई, जहां उसका संबंध जिला आरा भोजपुर बिहार निवासी भीम यादव से हो गया, जो कोलकाता में दुधिया का काम करता था और दीपिका के घर पर दूध देता था। इसी बीच इरफान का फोन भी आता जाता था। जब इसकी जानकारी भीम को हुई, उसने इरफान से बातचीत करने पर एतराज जताया। दीपिका ने इरफान को इग्नोर करना शुरू कर दिया। इस पर नाराज इरफान उसे ब्लैकमेल करने लगा। यह मामला बलिया के बांसडी थाना क्षेत्र का है। यहाँ के बकवा निवासी इरफान अली पुत्र सिराजुद्दीन का उसके पड़ोसी दीपिका सिंह पत्नी अशोक सिंह से आपसी संबंध थे, लेकिन दीपिका उससे तंग आ चुकी थी और उसने इरफान के साथ रिश्ता खत्म कर दिया था। इसका कारण था दुधिया भीम यादव, जिससे दीपिका का नया संबंध शुरू हो गया था, लेकिन इरफान उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो उसे ब्लैकमेल कर धमकी देता था। इससे परेशान होकर दीपिका ने अपने नए प्रेमी भीम के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। दीपिका और उसके नए प्रेमी ने योजना बना इरफान को रास्ते से हटाने का निर्णय कर लिया। बलिया दीपिका के गांव पहुंचने दीपिका के आने की जानकारी सुन इरफान उसके घर पहुंचा, जहां दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने घटना का खुलासा CDR के माध्यम से किया। यह भी पता चला कि जिस खेत में इरफान की लाश फेंकी गई थी, वहां के खून के कतरे गिरे पड़े थे, जो कि दीपिका के घर तक जाते थे। मृतक इरफान दीपिका एवं भीम यादव के आपसी वार्तालाप से हत्या की गुत्थी सुलझने में पुलिस को बड़ी मदद मिली। थाना श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल से भीम यादव को पुलिस ने पकड़ लिया। न्यायालय में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की गई, उसने इरफान की हत्या की बात कबूल कर ली। दीपिका के भी घटना में शामिल होने की बात सामने आई। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल भी बरामद कर लिया। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ।